ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। राजस्थान के 25 सीटों में से नागौर का चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ज्योति मिर्धा लगातार वहां से कांग्रेस से खड़ी होती रही, इस बार बीजेपी से हैं, और हनुमान बेनीवाल भी गठबंधन बदलकर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ ज्योति मिर्धा हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में हिस्सा लेने अजमेर आई हैं। ज्योति जी, ये तो ऐसा हो गया है कि आप जब भी लड़िएगा हनुमान जी आएंगे भी, और साथ में दूसरों को लेकर के आएंगे। अकेले भी नहीं लड़ते, तो किसी ना किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सामने आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी यही फॉर्मूला तैयार किया है, देखिए क्या रहता है। माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और मुझे जो सबसे सरप्राइजिंग चीज लगती है वो ये लगती है कि कांग्रेस का गढ़ माने जाली वाली नागौर को उन्होंने अगर गठबंधन में छोड़ दिया तो उनके मन में क्या चल रहा था। उन्होंने इतनी कमजोरी अपनी देखी कि उनको सीट गठबंधन में छोड़नी पड़ी, ये सबसे रोचक मुझे मेरी अपनी एनालिसिस है। हाँ, जबकि कांग्रेस वहां मजबूत थी, कांग्रेस मानी जाती थी कि वहां मजबूत है। जब शुरू में एनालिसिस हो रहे थे तब नागौर और दौसा की सीट को भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कमजोर माना जा रहा था, और अल्टीमेटली आज जो माहौल है उसके हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि कांग्रेस को सीट छोड़ करके गठबंधन में लेना पड़ा, और जो कैंडिडेट हैं वो नागौर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। नागौर के वो 3 विधानसभाओं के बाहर अब तक नहीं निकले, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं प्रेशर महसूस कर रहे हैं इस बार। प्रधानमंत्री जी ने आपका छोटी बहन भी कहा, और विधानसभा चुनाव हारने के बाद फिर से टिकट दिया जबकि बाकी लोगों को टिकट नहीं मिला जो दो बड़े नेता कहे जाते थे, तो ऐसा क्या मतलब आपको लग रहा है कि नागौर में ज्योति मिर्धा पर दांव लगा रही है बीजेपी? देखिए, मुझे लगता है कि नागौर पे स्पेशल फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, और कहीं ना कहीं ये सोच है कि अगर हमें अपना वोट शेयर बढ़ाना है और किसान वर्ग के अंदर अगर हमारे को अपनी आउटरीच बढ़ानी है तो नागौर, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो किसान राजनीति का सेंटर रहा है, हब रहा है, और इतना अच्छा फोकस होना भारतीय जनता पार्टी का, ये नागौर का भी सौभाग्य है। और आज ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने जो आज भाषण दिए उसके हिसाब से समझ आता है कि जो हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए नागौर में वो प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटीज है। पानी के बारे में मेरा ये मानना हमेशा से रहा है कि अगर पानी एक ऐसा लिमिटिंग फैक्टर है कि अगर पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो तो बाकी सब चीजें हमारे पास में उपलब्ध है, तो एक गवर्नमेंट को एक डिसाइसिव डायरेक्शन में चलना चाहिए, और मोदी जी और हमारे भजन लाल जी की जो सरकार है वो आपस में अच्छे तालमेल के साथ में इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। और महिलाओं को बढ़ावा देना, क्योंकि 50% पॉपुलेशन जिसको कभी आज आप देखेंगे तो आज की जो सारी सभा थी वो बहुत ही ज्यादा प्रधानमंत्री महिला सेंट्रिक था, और उसकी एक सिग्निफिकेंस यूं भी हो सकती है कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, तो पुष्कर में सभा होना, महिलाओं के बारे में इतना बोलना और प्रधानमंत्री जी का स्थापना दिवस के यहाँ पे आकर के बोलना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी जिसको कहते हैं प्लानिंग है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, तो मुझे लगता है कुछ अच्छा हमारे क्षेत्र के लिए भी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 2009 में जब आई थी, अब देखा था जिस तरह से आप बिल्कुल देसी अंदाज में राम राम सा करती थी और लहर उठती थी, अचानक बीच में एक गैप आ गया, क्या रहा जो आप इस तरह से वहां पर असफल हुई, एक बार फिर से आप पूरे जी जान से लगी हुई? देखिए, मैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि जो 2009 में जो मुझे वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट 2014 में मिले थे, जबकि मोदी जी की लहर थी। 2019 में मुझे उससे भी ज्यादा एब्सोल्यूट वोट्स मिले थे, जब मोदी जी की और भी ज्यादा लहर थी और गठबंधन में कैंडिडेट मेरे सामने आए थे। दरअसल शायद कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक धड़का है, जो स्वर्गीय नाथूराम जी की लेगेसी थी उसको देख करके कई लोगों ने पहले ही करेक्टिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए कि जो भी बडिंग नेता लगता है उसको अभी से काटना शुरू कर दो, और उसी के चलते अशोक गहलोत जी ने हनुमान बेनीवाल को 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़वाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके और हनुमान बेनीवाल जी आए। इस बार कोई नेता नहीं चाहता था कि गठबंधन हो कांग्रेस के पास, गजब ही लगे रहेगी कांग्रेस टिकट के लिए इतना तो, मतलब 15 दिन तक लगातार कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में रहे। नहीं, वो रोज ही 15 दिन तक उन्होंने पूरा प्रयास किया कि किसी तरह से मतलब ये गठबंधन सिरे चढ़ जाए। सब लोकल लीडर्स जितने थे उन सब ने मना किया कि हमारे पास में अच्छे जाट नेता है, हमें क्यों कांग्रेस के अंदर किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत है ऐसी सीट पे। लेकिन एक आदमी ने अपनी इतनी ज्यादा मतलब जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं आज वो अलायंस कमेटी में है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज का एडेड एडवांटेज दिया है हनुमान बेनीवाल जी को और अपनी पुरानी दोस्ती निभाई है। गहलोत का ऐसा क्या एजेंडा है, आपके खिलाफ है या क्या, हनुमान जी के साथ कुछ छुपा हुआ है? गहलोत साहब का मुझे ऐसा लगता है अब कि उनका एक पर्सनल एजेंडा है कि भाई
विशेष तौर से किसान वर्ग, जाट वर्ग के अंदर कोई भी नेता ना उभरे। ऐसा नहीं है कि उनकी ये जो वक्र दृष्टि है वो हम जैसे नेताओं पे, उनकी खुद की पार्टी के जो जाट नेता हैं उनके भी वो काफी हद तक पीछे पड़े हुए हैं। और ये आज से नहीं, अगर इसका इतिहास उठा करके देखेंगे तो परसराम जी मदेरना से लेकर के और आज तक का जो इतिहास है उसमें आपको एक एक एग्जाम्पल आपके सामने आएगा कि कैसे उन्होंने प्लान करके और कभी कांग्रेस में भी जाट नेता जो थे उनको उभरने नहीं दिया। हमेशा से वो मृधाओं के खिलाफ हनुमान बेनीवाल बोला करते थे, आज कई मृधाओं को साथ लेकर चलते हैं। नहीं, वो एक दो ऐसे मृधा होते हैं जैसे जो परिवार का मतलब हिस्सा बनना नहीं चाहते, वो अलग से दिखना चाहते हैं ताकि लाइमलाइट रहे, सोशल मीडिया का जमाना है, उल जलूल भाषण दे करके और अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको भी ये सुझाव दूंगी कि जो कल हनुमान बेनीवाल जी ने एक भाषण दिया है जायल में कहीं पर, जिसकी रात को मेरे पास वीडियो क्लिप आई थी, तो उनको वो जरूर सुनना चाहिए मनीष को वो भाषण, कि उनके दादा के बारे में हनुमान बेनीवाल जी के क्या विचार हैं। उसके बाद उनको एक दोबारा से ये फैसला लेना चाहिए कि क्या वो हनुमान बेनीवाल जी के साथ मंच साझा करना चाहते हैं, क्या वो उनके सुर में सुर मिला करके जिस तरह का प्रचार कर रहे हैं वो क्या करना चाहेंगे। लोग कह रहे हैं कुछ कांग्रेसी भी आपके साथ हैं जो हनुमान बेनीवाल को पसंद नहीं करते, ऐसा है क्या कुछ वहाँ? डायरेक्टली मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कांग्रेस के जो वोटर्स थे आज उनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि ये हर बार एक रणनीति बना के गणित ऐसी बैठा करके और चुनाव में हराने का प्रयास करते हैं, तो इस बार एक बहुत पॉजिटिव माहौल है। और क्योंकि जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ बंधा हुआ महसूस करते थे, जब कांग्रेस ने उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं दिया, ये पहली बार आजादी के बाद ऐसा मौका है जब नागौर की जो मतपेटी होगी उस पर हाथ का चिन्ह गायब है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी हनुमान बेनीवाल जी को नुकसान होगा, क्योंकि जैसा गठबंधन बीजेपी के साथ में किया था वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला था हनुमान जी का, क्योंकि वो कहने को गठबंधन था, वो एमपी बन गए, लेकिन थोड़े दिन बाद जब लोकल बॉडीज के चुनाव आए थे तो उन्होंने जो लोग चार दिन पहले तक उनका प्रचार कर रहे थे उन लोगों के सामने आरएलपी के कैंडिडेट उतार दिए थे लोकल बॉडीज में, तो एक आपस में बड़ा तालमेल बिगड़ा था। और इनका पुराना एक रिकॉर्ड भी रहा हुआ है कि इन्होंने जब अभी गठबंधन उससे पहले जब चंद्रशेखर रावण के साथ में किया था तब इनको वो नीला दुपट्टा पहनने में भी शर्म आती थी, और उसके बाद वो गठबंधन तो मतलब करामाती था कि वोट पड़ने तक का गठबंधन था, और उसके बाद स्टेज पे ही आपस में बस हाथापाई नहीं हुई, उसके अलावा सब कुछ हो गया, रिजल्ट आने से पहले ही वो गठबंधन टूट गया। तो अगर किसी नेता की एक बैकग्राउंड होता है इस तरीके का कि जहां उनके मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में भी ये शंका होगी कि भई ये गठबंधन आखिर एक आदमी के पीछे बना है पार्टी में, तो कितने दिन चलेगा और किस लेवल तक उसको लेकर के जाएंगे। क्या बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो ज्योति मुर्दा के साथ है, मजबूती के साथ खड़ा, क्यों कहा गया था विधानसभा चुनाव में कुछ परेशानी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो बहुत समर्पित है। लास्ट टाइम जब हनुमान बेनीवाल जी ने गठबंधन किया था तो वो इतने समर्पित थे कि ना चाहते हुए भी और मतलब अपना कलेजा काठा करके उन्होंने टायर के चुनाव चिन्ह पे भी वोट दे दिया था, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तो भाई पार्टी की नेता हूँ, पार्टी ने बहुत अपनापन दिखाया टिकट दे करके, लोगों की सहमति के साथ, संगठन की सहमति के साथ में मुझे पार्टी में आगे लेकर के आए, और आज सभी का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सारी टीम्स जब हम यहाँ पे हैं तो सारी टीम्स अपने एरियाज के अंदर लगी भी हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का विद इन द पार्टी और ग्राउंड पर पब्लिक का भी। इस बार बदले बदले से हनुमान बेनीवाल नजर आते हैं, बिल्कुल शांत, धीर, गंभीर, मजाकिया, वो लहजा क्यों बदल गया है? हाथ जोड़ रहे हैं पहली बार वोट मांगने के लिए, और कहीं कहीं पर कह रहे हैं कि मेरे बोतल का चुनाव चिन्ह है, और एक जगह तो उनके मुंह से निकल गया कि और इस बार हाथ में बोतल है, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हाथ में बोतल है तो किस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है कि जिस तरीके की भाषा उन्होंने मंच से अपने समाज की बहन बेटियों के लिए इस्तेमाल करी, या जिस तरीके से उन्होंने सब नेताओं को कभी हराने जिताने में अपने लोगों को मोहरा बना करके खड़ा करा, तो आज वो सारे जो पुराने पाप हैं वो शायद सामने आ रहे हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है अब मेरे ये कलयुगी भाई मेरे को बहन ज्योति मिर्धा भी कह करके बुलाते हैं कई बार मंच पे। ज्योति मिर्धा अगर जीतती हैं तो नागौर के लिए क्या 5 काम करना चाहेंगे? पानी 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 और पानी।
राजस्थानी इतना बड़ा मुद्दा है? इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर हमारे पास में लैंड है, हमारे पास में बहुत जिसको कहते हैं कि ऊर्जावान लोग हैं काम करने वाले, मिनरल डिपॉजिट है हमारे पास में, सोलर एनर्जी हमारे पास में, अगर एक पानी आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सी चीजें ऐसी है जिनको सुधार सकते हैं और नागौर में बहुत तरक्की हो सकती है। ज्योति मिर्धा को कलयुगी भाई भी मिले हैं, हनुमान बेनीवाल कह रही हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छोटी बहन कहा है, तो दो दो भाई इनको आज मिले हैं। लेकिन देखिए, नागौर की जो राजनीति बेहद दिलचस्प है, ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने कसम खा रखी है कि ज्योति मिर्धा के साथ के सामने मैं चुनाव लड़ूंगा ही, और इस बार बहुत ठहराव लग रहा है नागौर की राजनीति में, इसीलिए कोई अंदाजा लगा नहीं पा रहा है कि नागौर की राजनीति में क्या होने वाला है, मगर हमें भी इंतजार रहेगा कि कौन जीतता है वहां से। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार।